हापुड़ थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में लोगों व व्यापारियों ने रास्ते में टूटी पुलिया के निर्माण को लेकर गुरुवार को जाम लगाकर हंगामा व प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि इस रोड पर व्यापारियों के गोदाम, दुकान, स्कूल, कॉलेज आदि हैं, जिस पर रोजाना सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है और हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। और मेरा यहाँ पर ऑयल ट्रेडिंग का बिजनेस है। करीब 4 महीने से यहाँ की पुलिया क्षतिग्रस्त है और कई बार यहाँ हादसे हो चुके हैं। स्कूल के बच्चे गिर चुके हैं, ट्रक अंदर पुलिया के अंदर ट्रक गिर चुके हैं। बहुत जानमान का नुकसान है। प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, चेयरमैन को कई बार अवगत कराया गया, विधायक जी को कई बार अवगत कराया गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। हापुड़ की सबसे व्यस्त रोड है ये। यहाँ पर एक कॉलेज, 2 स्कूल हैं, 1 कॉलेज है, 2 क्लब हैं और दुनिया भर की यहाँ फैक्ट्रियाँ, औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को व्यापार करना दूभर हो रहा है। पूरा घुमाकर हमें अपनी गाड़ियाँ लानी पड़ती हैं, गाड़ियाँ पलटने का डर रहता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हम बहुत परेशान हैं इस टाइम यहाँ पर। तो प्रशासन ने कुछ कहा जो